हेलो जी, हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9 में, 10 मिनट बाकी है, लेकिन अभी से मेरा वीडियो शुरू हो गया है क्योंकि आज है कुछ खास। जी हाँ, कुछ खास नहीं, बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए, दोनों बच्चे खेल रहे थे, मैं चेरी को बोल रही हूँ तो क्यूट लग रहा है, तो बोल रहा है मैं क्यूट लग रहा हूँ, तो ऐसे सच में ये भी हाँ कर रहा है। और उसके बाद में ये है मेरा बड़ा काम। जी हाँ, किचन क्लीनिंग, सबसे महिला का सबसे बड़ा काम मुझे लगता है यही है। कमरा हॉल कुछ भी साफ करो, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि किचन में लगती है, ये आप सबको पता ही होगा ओबियसली लेडीज़ को। तो चलिए आज मैंने ये काम शुरू कर दिया, काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी। और पास में ही मैंने फटाफट से बिरयानी बोलते हो या फिर दम बिरयानी, पता नहीं क्या पुलाव जो भी है, पर खिचड़ पिचड़ जो भी था बना दिया फटाफट से और लग गई अपने कामों में। तो जो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ बर्तन किचन के, जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, उनको तो मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि वो डेली ही यूज़ होते हैं, तो उनको एक टब में भर के रख दूँगी साइड में। उसके बाद जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, जो कभी कभार यूज़ होते हैं, उनको तो साफ़ करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो डेली यूज़ होता है उनको तो मैं नहीं करती हूँ, तो वो बस भर के रख दिए हैं मैंने। अब उसके बाद में उतार देते दालों के डिब्बे। सफाई के चक्कर में मुझे 3 दिन हो गए, सुबह जल्दी उठना, शाम को ही सोच के प्लानिंग करना, लेकिन आज तो आखिर वो दिन आ ही गया। तो सुबह उठ के जल्दी से मैंने अपना जो भी सुबह सुबह का झाड़ू रहता है वो तो निकालना ही पड़ता है, भले आप कितनी ही साफ सफाई करो तो वो निकाल लें। और उसके बाद में जो मैंने खिचड़ी बनी है, मतलब अभी तक बनी रही, आप देख सकते हो गैस पर पड़ी है, तो वो मैंने उसकी तैयारी करके वो बना दी थी फटाफट और लग गई हूँ अपने कामों में। चेरी किट्टू को दोनों को बिज़ी कर रखा है और अभी भेज दिया है बाहर, क्योंकि वो अंदर आ रहे थे मुझे परेशान करने के लिए, तो फिर मैं उनको चली गई थी बाहर भेजने के लिए। और ये सब कुछ दालें हैं, ये देखिए ख़राब हो गई है, मतलब वो बोलते हैं ना धनेरिया, वो आ गया है। तो कुछ कुछ दालें मैंने देखी है, एक दो दाल में ही था हालांकि, तो जो लोग काफ़ी पुरानी हो गई थी, 2 महीने पहले की लाकर पड़ी थी, तो सोचा कि उनको धूप लगा देती हूँ। तो बस जो धूप लगानी थी वो मैंने निकाल दिए थाली में, और जो नहीं लगानी थी वो मैंने सब सामान मतलब डिब्बों के भर दिए थैली में। जो हम अपने किराने का सामान लाते हैं ना, थैली आती है ना पोलिथीन, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे रख लेती हूँ समेट कर, तो कहीं मुझे काम आ जाती है कभी कचरा फेंकने में तो कभी साफ सफाई करने में। तो बस उन थैलियों में मैं सारा पोटला बांध कर रख चुकी हूँ, और जो मुझे धूप लगाना है वो भी मैंने साइड में कर दिया है। और ये है कुछ डिब्बे जो इनको मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि इनमें घी तेल वगैरह है, तो इनको तो मैं साफ़ नहीं करूँगी। कुछ कुछ ऐसे मसाले हैं जो उनको निकालना तो शायद मुझे लगेगा कि ख़राब हो जाएगा, तो उनको डिब्बों को मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। और ये दालें और दलिया चावल जो भी है, चलिए इनको दे देते हैं ऊपर धूप में। और ये कुछ बर्तन निकले हैं जो साफ़ करने के, और उससे पहले यहाँ पर भी चेक कर ही लेती हूँ, जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है किराने का, दालें वगैरह कुछ भी हम यहीं रखते हैं, तो इसमें से भी मुझे काफ़ी सारे देखने पड़ते हैं कि क्या हम भूल भी जाते हैं, कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारा सामान हमारे पास होता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि नहीं है, लाओ लेके आओ जल्दी, तो मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। तो मैं ना जब भी सफाई करती हूँ तो इन डब्बों को हमेशा चेक करती हूँ कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है, और इन डिब्बों को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये वाला छोटा वाला टिफ़िन है, तो इसमें रख लेती हूँ मैं कुछ सामान घर के, और ये बाल्टी, इसमें मैं रखती थी मक्की का आटा। जी हाँ, जो हम मक्की का आटा रोटियाँ बनाते थे ना वो वाला, लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद हो गई है मक्की की रोटियाँ कुछ कारण से, थोड़े दिन बाद वापस शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मैं ऊपर आई दालें धूप में लगाने के लिए, तो यहाँ देखिए पतिदेव जी ने छत को इतना भर रखा है, मतलब 3-4 दिन अगर मैं छत पर ना हूँ ना, या फिर उनको उनकी मर्ज़ी का करने दूँ, तो छत इतनी भर देंगे वटाले से, कुछ भी सामान जहाँ उनका मर्जी होगा वहाँ रख के चले जाएंगे, तो पैर देने की भी जगह नहीं होगी। और कपड़े सुखाने मुझे लगता है कि पड़ोसी की वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाएगी मेरी, लेकिन देखते हैं। अभी तो मैं इसकी सफ़ाई नहीं करूँगी, छत की भी मुझे सफ़ाई करनी है, ऊपर वाले रूम की भी करनी है, मतलब अब लग गई हूँ ना सफाई में कि हाँ आज से शुरू हो गया है, तो 3-4 दिन तक तो मेरा साफ़ सफाई का काम चलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ दे दिया है दालें वगैरह धूप में, और धूप अभी आई नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, लेकिन दिन में अच्छी खासी आ जाएगी। दालें को मैं नीचे भी नहीं रख सकती क्योंकि बच्चे मेरे, आपको पता है ये दोनों छोटे छोटे हैं, और ये जो बर्तन मतलब मैंने रखे थे टब में भर कर, और जो डिब्बे हैं वो भी मैं यहाँ पर छुपा के रखने पड़ेंगे ताकि इनको दिखे ना, और इसी वजह से ये पर्दा भी लगा रखा है ताकि इन बच्चों को कुछ भी सामान दिखे ना। तो बस ये काम हो गया है फ्री। अब हमारे देखिए पुलाव हो गए हैं रेडी,
तो बस बच्चों को भी दे देती हूँ, खुद तो नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो अगर अभी खा लूँगी तो फिर मुझसे काम नहीं होगा, तो बस दोनों बच्चों के निकाल देती हूँ। और बिल्कुल नॉर्मल मिर्ची से बनाए, बिल्कुल फीके। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो चुका था, इसी वजह से मैंने कट कर दिए वीडियो। उसके बाद मैं यहाँ बाहर आई मैं बच्चों को देखने के लिए, लेकिन वो है ही नहीं। टीटू को ढूंढने आई थी बाहर, लेकिन वो है ही नहीं, मंदिर चले गए उसके पापा के साथ, क्योंकि आज है मंगलवार, तो उसके पापा हमेशा मंगलवार को उपवास करते हैं और मंदिर भी जाते हैं। और दोनों बच्चों को खिचड़ी खिला के चेरी को नहला कर भेज दिया है आंगनवाड़ी। टाइम हो गया है 10:15 और यहाँ किट्टू को बिठा दिया है पढ़ाई करने के लिए। हालांकि पढ़ाई तो क्या करेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो अकेला है तो थोड़ी देर शायद कर सकता है पढ़ाई। और यहाँ बचा कुचा खिचड़ी रख दिया है पैक कर, और अब लग जाते हैं असली कामों में। असली तो क्या है, मतलब जाले झटकने का, इसी में ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, लेकिन हमारे किचन में इतनी धूल मिट्टी है नहीं, मतलब जाले वाले है नहीं इतने, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ कहीं पर भी झाड़ू या जाले लगाने का। हफ्ते में एक आधी बार तो मैं कोनों कोनों में इसको घुमा ही देती हूँ, क्योंकि घर में जाले होना बहुत बुरी बात होती है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरी मम्मी दादी बोलती है कि जाले नहीं रहने चाहिए घर में, सासू माँ भी बोलती है, तो मेरा हाथ एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते में तो चला ही जाता है, कहीं पर भी कोने में कहीं पर भी मुझे जाला दिखे तो मैं साफ कर देती हूँ तुरंत। लेकिन फिर भी एक बार और क्लीन से अच्छे से जगह जगह जहाँ पर भी कोने हैं वहाँ पर भी जाला चटक दिया है मैंने। उसके बाद में ये है ऊपर की ताण, जो कि यहाँ पर भी मैं साफ़ सफाई करके सारा सामान ऐसा कैसा झटक के रख दूँगी। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि दी किचन में जो बाहर रूम में हम आपके कप पड़े हैं वो किचन में रखो, तो किचन एक इतनी बुरी जगह है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है डियर, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जो ये सामान पड़ा है ना, इसकी भी बहुत बुरी हालत है, तो इस वजह से मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं कुछ भी सामान काँच के यहाँ पर रखूँ। इसी वजह से मैं जो एक्स्ट्रा सामान है हमारे किचन में यूज़ आने के ओन वगैरह, इडली के ओन वगैरह, तो वही रखे पड़े रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर कप रखना, तो वहीं मैंने हॉल में ही रख रखे हैं। और बस यहाँ पर फिर लग गई मैं फटाफट अपने बर्तन डिब्बे वगैरह साफ़ करने में। यहाँ पर ये भी डिब्बे साफ कर ले रही हूँ मैं, जो कि हमारे दाले वगैरह के खाली करे थे, और जो हमारा चाय नाश्ता के बर्तन है वो साइड में पड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे, उनको मैं बाद में साफ करूँगी, क्योंकि इनको मुझे धूप में सुखाना रहेगा डिब्बे वगैरह को। और यहाँ पर हाथों हाथ लगे हाथ ये वाली जाली भी साफ कर देती हूँ। हालाँकि इतना मेला तो नहीं है, मतलब इतनी गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस अगर एक बार लग गई हूँ ना काम में, तो हर चीज़ पर मेरा हाथ जाना चाहिए, हर जगह मेरा हाथ पहुँचना चाहिए, वो चीज़ मैं साफ़ कर दूँ, चाहे वो कोना हो, दीवार हो, कुछ भी हो, तो बस वही है, उसी काम में मैं लग जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत कर लिया, एक तो काम छोड़ दूँ, लेकिन मेरी आदत है बस एक बार लग जाती हूँ तो पूरा फिनिश ही करती हूँ, छोटा मोटा भी काम नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ पर अच्छी करारी करारी धूप आ रही है, तो बस यहाँ पर डाल देते हैं सब कुछ, तो अच्छे से सूख भी जाएंगे बर्तन वगैरह, दालें भी पड़ी है, और बस वापस से आ जाते हैं नीचे। और जो हमारे चाय नाश्ता के बर्तन है वो साफ़ करके मैं यहीं टोकरे में भर कर यहीं रख दूँगी, क्योंकि इनको तो सुखाने की ज़रूरत नहीं है, और डिब्बे वगैरह तो सुखा कर वापस दाल वगैरह रखनी है, क्योंकि ऐसे तो रहेगी नहीं। और बच्चे हैं, आपको पता है छोटे छोटे घर में तो कुछ भी सामान अस्त व्यस्त नहीं रख सकते, आपके घर में भी बच्चे होंगे ना, तो इस तरीके से आप सफाई करोगे ना तो बहुत ही मतलब इजी तरीके से हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की भी आपको परेशानी आएगी, मुझे तो नहीं आती है, मैं हर चीज़ मैनेज करके चलती हूँ, मतलब हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ, तो मुझे इतना नहीं लगता है कि हाँ कोई बड़ा काम है। उसके बाद में जो बर्तन रखने का टोकरा है वो भी मैंने साफ कर दिया है, और उसके बाद में ये लहसुन प्याज वाली टोकरियाँ, इनको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और इस पर है ना कहीं कहीं पर जंग भी आ गई है, पता नहीं क्यों, पर इसमें तो मैं कुछ भी सामान ऐसा वैसा नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये भी ख़राब होने लगी है। और किट्टू पढ़ाई कर रहा है, इतनी तो नहीं कर रहा है, बार बार आके मुझे पूछ रहा है मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, आप देखो इधर आके बैठो, तो मैं बीच बीच में जा भी रही हूँ उसके पास में, और छोटे मोटे बहुत से काम रहते हैं बीच में, लेकिन हर चीज़ का वही है ना कि वीडियो शूट नहीं होता है, होता भी है लेकिन हम इतना कुछ नहीं दिखा सकते या फिर डाल सकते हैं, क्योंकि आप भी वीडियो देखते देखते बोर हो जाओगे, कितने देर तक वीडियो हमारा ही देखोगे।
यहाँ पर ये देखिए किट्टू फिर से आ गया था मुझे परेशान करने के लिए। परेशान तो क्या, बच्चे बच्चे का काम करेंगे ही करेंगे। उसको मैंने बोल रखा है कि तो होमवर्क कर, तो बस वही दिखाने आ रहा है बार बार, क्योंकि उससे एक भी अक्सर अगर गलत हो जाता ना तो वो मुझे दिखाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो 3 सेल्फ लगी है उसको मैंने अच्छे से मल लिया है, मतलब सरफ के पानी से, और वापस कपड़े से हाथों हाथ पोंछ भी दिया है और सूख जाएंगे वो। उसके बाद में ये लाइट का बोर्ड जो कि मुझे बहुत बेकार लगता है, क्योंकि ये जस्ट गैस के ऊपर ही है तो बहुत ज़्यादा मेला होता है, लेकिन फिर भी मुझे इसको साफ़ करना रहता है और बहुत डर डर के मैंने इसको साफ़ किया है। हमेशा तो मैं अगर स्विच साफ़ करती हूँ तो लाइट बंद कर देती हूँ, इकट्ठे करती हूँ तो, लेकिन आज तो मैंने किचन का ही किया है तो बस लाइट बंद नहीं करी थी, तो इसी वजह से बहुत डर डर के साफ़ किया है। और यहाँ पर ये वाली कांच की सेल पे ये भी गैस के पास में ही पड़ती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, आधी आधी जो इधर है वो वाली, उधर की इतनी गंदी नहीं होती। क्या करूँ, किचन का स्पेस बहुत छोटा है तो कुछ इस तरीके से ही मैंने एडजस्ट कर रखा है। हाँ, एक बात और, किचन का काम करने में किस किस को मज़ा आता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, सच बता रही हूँ मैं। मुझे किचन की क्लीनिंग रखना, मतलब क्लीन रखना, साफ सफाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किचन मुझे कुछ भी गंदा होगा, आपका रूम गंदा होगा चलेगा, आपके कपड़े गंदे होंगे, आप नहीं नहाए होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे किचन ही एकदम साफ सुथरा चाहिए, तो मेरा तो यही मानना है। और मैं बहुत ही इंजॉय से साफ सफाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि रो रो के साफ सफाई करती हूँ, नहीं, बहुत ही खुशी खुशी से और बहुत ही हैप्पी से, मतलब कुछ हर चीज़ देखती हूँ, हाँ ये साफ़ नहीं हुआ तो इसको साफ़ करो अच्छे से। और गैस तो मैंने कुछ इस तरीके से साफ़ किया है कि बेचारा टूट ही गया था शाम तक, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर किचन का आधा काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, किट्टू अभी तक हमारा यहीं है क्योंकि टाइम उसको स्कूल जाने का नहीं हुआ है और उसको नहलाना भी है, तो इसी वजह से मैं गीली नहीं हो रही हूँ, बच बच के काम कर रही हूँ। अगर बाकी मुझे नहलाने का जिम्मेदारी नहीं होता और अगर गर्मी रहती तो मैं पूरी गीली हो जाती किचन के काम में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर लिया था सब कुछ। और यहाँ पर ये ब्रश रखने का भी हमारे किचन में ही पड़ा है, तो बस इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छे से ब्रश हम गंदे रखते हैं, तो इसको भी मैंने धो दिया है। यहाँ पर हमारे गैस की जो छोटी छोटी जाली है उनको भी मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ करती हूँ, क्योंकि वही है कि उसमें भी कचरा घुस जाता है तो फिर गैस हमारा स्लो चलता है, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बस एक हाथ अब पोछा लगा देते हैं पूरी स्टैंड पर, हालांकि पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन बस अब देखते हैं किट्टू को, इसका होमवर्क आधा हो गया था, आधा मैंने फिर 5 मिनट बैठ कर करा दिया और उसके बाद में इसको नहला कर रेडी कर देते हैं। और ये देखिए हमारा राजा बाबू हो गया है पूरा रेडी, और नहा धोवा के बच्चे कितने क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। अगर मुझे काम ना होना तो बस इनके पास बैठे रहो, लाड करते रहो, इतने अच्छे क्यूट लगते हैं दोनों बच्चे नहाने के बाद में। और बस ये गया स्कूल फिक्स 12 बजे, और चलता है। देखो भाई और अब आराम से पीऊँगी पानी, फिर से लगूँगी काम में, क्योंकि थोड़ी और एनर्जी चाहिए, अभी थोड़ा और काम बाकी है, थोड़ा और नहीं बहुत ज़्यादा काम बाकी है, अभी तो आप ये समझ लो कि 25% हुआ होगा। लेकिन वही है कि सुबह से है ना मैंने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, बस एक बार लग जाती हूँ तो बस लग गई, मुझे ये रहता है कि ये काम कर लूँ उसके बाद ये पी लूँगी, ये काम कर लूँ उसके बाद वो खा लूँगी, फिर याद ही नहीं रहता है। और अब बारी आती है हमारी फ्रिज की, तो बस इसका भी ऊर्जा जो भी है सब निकाल कर इसको पहले सूखे कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ, और उसको फ्रिज को मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही बंद कर दिया था ताकि इसका जो बर्फ़ है वो पिघल जाए, ताकि इसको साफ करने में आसानी रहे। इसके बाद में इसको मैंने वही कूचा लिया है जो बर्तन साफ करते हैं, उस नरम वाले कूचे से इसको अच्छे से माँज दिया है और 2-3 पानी से इसको मैंने धो दिया है, बिल्कुल नया जैसा लग गया है हमारा फ्रिज। कौन बोल सकता है इसको कि ये 6 साल पुराना फ्रिज है, मतलब कहीं से भी कुछ भी स्क्रेच वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ है, एकदम लगता है कि जैसे आज ही लाए हैं। कोई भी चीज़ की हम केयर करेंगे तो वो चीज़ हमें अच्छा ही सर्विस देंगी, मेरा तो ये मानना है। तो मैंने कहा तो बस यहाँ पर हमारा फ्रिज भी चकाचक हो गया है, चमकने लग गया है। आज मेरे पास है ना कोलिंग ख़त्म हो गया है, बाकी मैं इसको सोच रही थी अच्छे से कोलिंग से साफ़ करते ना तो और अच्छी चमक आती, खैर कोई नहीं, मैंने मंगवाया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। और यहाँ पर ये जितने भी हमारे फ्रिज के ऊर्जे पुर्जे यानी कि इनके ढांचे वगैरह है तो इनको बस अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और
ये सब काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी और है ना गर्मी लगने आ गई थी, क्योंकि बस वही है कि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई और दिन में तो इतनी गर्मी लगती है। तो बस मैं जा ही रही हूँ नहाने के लिए ये सब काम करने के बाद में। पानी मेरा गर्म हो गया है, हल्का सा गुनगुना पानी से तो नहाना ही पड़ता है चाहे कितनी भी गर्मी लगो। पता नहीं क्यों अभी गर्म पानी से ही नहाने की आदत नहीं छूटी है अभी। और बस यहाँ जाने से पहले ये जो हमारा किचन है, पूरे घर में तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, बस किचन अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि फिर आके मुझे यहाँ पर काम करना है। तो ये देखिए पंखा मैंने चालू कर दिया है, ये सब सूखता रहेगा तब तक मैं नहा धोवा के फिर अपने कामों में लग जाऊंगी। अब मिल रही हूँ मैं आपको 3:15 बजे। जब मैं नहाकर बाहर आई थी तो चेरी आ गया था आंगनवाड़ी से, हस्बैंड जी गए थे लेने के लिए, ये आ जाता है 12:15 तक। तो फिर मैंने इसको सुला दिया था और अब उठ गया है ये 3 बजे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि तू बड़ा अच्छे टाइम का उठा है, मतलब मेरा काम 80% तो हो ही गया है, बस 20% बचा है तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो बस वही है कि सब टाइम टाइम से मैंने अपना काम कर लिया एडजस्ट करके, मतलब इधर उधर जो भी बच्चों का मुझे देखना पड़ता है बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो फिर भी काम बहुत ही आसानी से हो गया था। और बस ये यहाँ पर उठ गया है तो इसको भी मैंने पहले तो दूध तो नहीं बनाया क्योंकि गैस पर इतने सारे सामान थे, तो मैंने इसको चावल खिला दिए। उसके बाद में वापस मैं अपने कामों में लग गई और बस यहाँ पर ये सामान जमा देते हैं जो हमारे बर्तन है। और ये जो डिब्बे मैंने साफ़ नहीं किए थे तो इनको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर हाथों हाथ सूखे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ ताकि वो भी अच्छे से चमक जाए। और ये जो टोकरी वगैरह है तो बस इनको भी अच्छे से जमा देते हैं, सेट कर देते हैं। और अब बारी आती है हमारा पोछा लगाने की, तो शुरुआत करती हूँ मैं किचन से ही। किचन से लगाकर मैंने, शाम हो गई थी फिर भी मैंने कमरे तक पोछा लगाया था। बड़ी ही आसानी से, मतलब बड़े ही प्यार से काम मेरा पूरा निपट ही गया था ऑलमोस्ट। बस फाइनल अब पोछा रहा है, तो पोछा लगाने के बाद अब आपको दिखाते हैं हमारा फाइनल लुक किचन का। तो ये देखिए सारा कुछ सेट करने के बाद में सुबह से शाम हो गई, लेकिन किचन मेरा मेहनत रंग लाया, बहुत ही ऐसा चमक गया था और बहुत अच्छा खिल गया था। मतलब अगर इसके मुंह होता ना तो ये भी बोलता हाँ आज तो मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना मेजरमेंट करके किचन पूरा अच्छे से साफ सुथरा कर दिया है। बच्चों के साथ रहकर भी सब कुछ काम अपन कर सकते हैं, बस ये है कि करने वाला होना चाहिए। बहाने वाले बनाने वाले तो बहाने बनाते ही रहेंगे, लेकिन ये है कि करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, मेरा तो ये मानना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सभी से अलविदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा क्योंकि